अब आपको पाव सेक के दिखाएंगे हम, अब हम आपको पाव सेक के दिखाएंगे। तो आप पाव के लिए थोड़ा थोड़ा घी डालिए चारों तरफ, पाव के लिए चारों तरफ थोड़ा थोड़ा घी डालिए और बस दबाइए पाव को, जिससे वो आराम से करिए थोड़ा, जिससे वो सिक जाए। घी थोड़ा एक्स्ट्रा ले लीजिए, कई लोग बटर यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे घर में क्या है कि घी का प्रचलन चला रहा है शुरू से ही, बटर को हमारे घर पे वो माना जाता है कि ये तो नमक डाल के बना देते हैं कुछ भी। नमक होता है ना वो एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है, उसमें भी तो बटर ओल्ड भी हो जाता है ना तो भी वो चल जाता है, लेकिन घी है वो हमेशा फ्रेश अरोमा जो आता है ना घी का, वाह मजा आ जाता है। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं कुछ नहीं, मस्त एकदम। तो आप दो तवे रखिए साइड बाय साइड, एक पे आप पाव पकाइए, एक पे अपनी भाजी बनाइए। लाइए इधर आइए, तीनों को खिलाइए और इस तरह से आप डालते जाइए खाते जाइए। चलिए।